अफगान तालिबान ने जल्द बैनुल अक्वान मुज़ाकरात शुरू करने के इरादे को जाहिर कर दिया और जोर दिया है कि पाकिस्तान पहले की तरह इन मुज़ाकरात की हिमायत करे। बैनुल अफगान मुज़ाकरात में हर चीज पर बात होगी और ये भी कि मुज़ाकरात के आइंदा दौर पाकिस्तान समेत किसी भी मुल्क में हो सकेंगे। अफगान तालिबान के कतर में सियासी दफ्तर के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने बरतानवी खबर रसां इदारे को एक इंटरव्यू में कहा है कि अफगान मसले को पुरम तरीके से हल करने के लिए पाकिस्तान का किरदार पहले भी अहम था और अब भी जरूरी है। पाकिस्तान ने हमेशा चाहा है कि इस मसले को पुरम तरीके से हल किया जाए और उनका इसमें एक मस्बत किरदार रहा है। उन्होंने कहा है कि बैन अल-अफ़गान मुज़ाकरात में हर चीज पर बात होगी और ये भी कि मुज़ाकरात के आइंदा दौर पाकिस्तान समेत किसी भी मुल्क में हो सके। तर्जुमान अफगान तालिबान ने कहा है कि बैन अल-अफ़गान मुज़ाकरात का पहला दौर खत्म में होगा जिसके बाद फैसला होगा कि मुज़ाकरात के दौर कहाँ हो सकते हैं। शाहीन ने कहा है कि जब मुज़ाकरात शुरू हो जाएं तब ही जंगबंदी पर बात हो सकती है। मुज़ाकरात शुरू होने से पहले जंगबंदी पर बात करना कबरज वक्त है। शाहीन ने बताया कि ये तो हमारी पॉलिसी है कि किसी दूसरे शख्स या ग्रुप को अमरीकी इत्तेहादी बनकर अफगान सरजमीन इस्तेमाल न करने दें। ये बात कि अफगान सरजमीन को कोई ग्रुप या शख्स अपने मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। हमारी सफों में गैर मुल्की जंगजू मौजूद नहीं है। सुहेल शाहीन ने मजीद कहा कि अफगानिस्तान मसले के दो रुख थे जिसमें एक बैरूनी कुवतों से मुतालिक था जो अमरीका से माहदे के तहत हल हो चुका है। दूसरा रुख बैरून अफगान मुज़ाकरात का है जिसमें हम फैसले करेंगे कि ये मुज़ाकरात अगर कामयाब हो गए तो अगला मरहला अफगानिस्तान की तामीर नौ और बहाली समेत तजारत का फरोग होगा। अफगानिस्तान वस्ती एशिया के ममालिक के लिए एक पुल का किरदार अदा करेगा।